कलर्स के सीरियल मेरा बालम थानेदार में वीर का हो गया है ट्रांसफर, जिसके चलते बुलबुल परेशान है क्योंकि अब उसे अपने वीर से अलग होना पड़ रहा है। और वीर वो तो दूर जाना ही चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि बुलबुल इस रिश्ते से खुश नहीं है। ऐसे में बुलबुल भी वीर से कुछ कहना चाहती है लेकिन उनके बीच की बातें अनकही है। मैं जानती हूँ कि मैं आप में तो आपके लिए वही रसोई में बुलबुल अकेले ही परेशान हो रही है, इमोशनल हो रही है। ऐसे में उसके ससुर जी पहुंच जाते हैं बुलबुल का हौसला बढ़ाने और उसे समझाने कि अपने पिया को कैसे रोका जाए। पता नहीं पता है कि घर में घर क्यों कह रहे हैं, मकान क्यों ना कह रहे हैं, क्योंकि मकान तो ईंट पत्थर और सीमेंट का ढांचा हुआ है और उसी ढांचे में प्यार फूंकते उसे घर बनाते हैं। रिश्ते पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता हुआ लाड़ा वो हर घर की नींव, और ये नींव उनकी लोग जो उनकी हंसी मजाक उनके रूठने मनाने से और मजबूत हो, तो प्यार और टकराव का संतुलन बिल्कुल बड़ा रहना चाहिए। यदि संतुलन बिगड़ा तो वो सारा घर टूट के बिखर गया। फिकर ना कर, मैंने थारे पे पूरा विश्वास है कि थारे बैठे इस घर के टूटने की मौत ही ना होगी। तुमने इस रिश्ते में संभालना होगा, तुम्हें ही अपने पति को अपने से दूर जाने से रोकना होगा। और हाँ, घर मदद करने के वास्ते हमारी ये फौज जो है वो 24 घंटे तैनात है। आशा का कहना मतलब तुम ठीक ही लगी, हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना, और किसी में मजा लेना है तो उसका कहना टाल दे। क्यों? क्योंकि वो है इस घर की सबसे बड़ी बॉस। आई बात समझ में आई? क्योंकि वो है इस घर की सबसे बड़ी बॉस। समझ के समझ ना भी एक समझ और जो ना समझे वो ना समझे। और मैं तो 65% वाली अव्वल बुलबुल हूँ ना। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।